बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोल के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस दिया गया हो और मोल और मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया हो और हमसे वो नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हो, तो हमने किस तरह मालूम करना है कि उसी मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस को, यानी सब्सटेंस का जो मास इन ग्राम है वो डिवाइड कर देंगे उसी सब्सटेंस का जो मोल और मास है उस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स यानी एन मिल जाएंगे। यानी अगर हमें मास इन ग्राम भी गिवन हो और मोल और मास भी गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह मालूम करते हैं, इसी फार्मूले के जरिए से। लेकिन अभी अगर किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हो और मोल और मास भी हमें मालूम हो और हमसे क्या मांग रहे हो, हमसे मांग रहे हो मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस मालूम कर लो, इस सब्सटेंस का मास इन ग्राम मालूम कर लो, तो उसके लिए फार्मूला क्या है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, हम नीचे अगर 1 लगा ले और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई 1 और दोबारा वही मास इन ग्राम आ जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स का शॉर्टकट है, n मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, व्हाट, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का मोलर मास, उसी सब्सटेंस का क्या मोलर मास। तो ये हमारा सब फार्मूला हो गया कि कहीं पे अगर किसी क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे हो, मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस मांग रहे हो और हमें नंबर ऑफ मोल दिया गया हो और मोलर मास हमें मालूम हो। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे। एग्जांपल नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा गया हो कि कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा गया हो कि कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट मास इन ग्राम, कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमें टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी एटम ऑक्सीजन की, अगर हमें टू मोल ऑफ ऑक्सीजन की मास इन ग्राम मालूम करनी है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, गिवन डेटा में अगर आप यहाँ पर देखिए कैलकुलेट नंबर कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ टू मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे साथ है टू मोल्स। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देख ले, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए मास इन ग्राम को मालूम करने के लिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स, वो तो हमारे पास है, एक उसी सब्सटेंस का मोलर मास, यानी अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास, ऑक्सीजन के मोलर मास का क्या मतलब है, मोलर मास का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने ग्राम, यानी इसी ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं लिख लू, तो आप लोग यहां पर देख सकते कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और इसको अगर हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले, ग्राम यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 16 ग्राम होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन फार्मूला। और हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट मास इन ग्राम, हमें चाहिए मास जी, यानी मास इन ग्राम हमें चाहिए। तो आप लोगों को पता है सोल्यूशन क्या, हमारे फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू एन, मास इन ग्राम शॉर्ट लिखिए, मास इन ग्राम इज इक्वल टू एन यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हमारे जिस तरह वहां पर ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के बेस पे हमने इसको हल करना है। तो मास इन ग्राम हमारे साथ हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ कितने हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 2 है हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे साथ ये मोलर मास कितना है, तो मोलर मास हमारे साथ यहाँ पर 2 मोल्स है हमारे साथ, 2 मोल मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है हमारे साथ, ये है 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। तो ये मोल और पर मोल ये प्लस है, और एक दूसरे के साथ खत्म, 2 16 32 ग्राम। तो
तो हमारे साथ कितने होंगे, टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन में हमारे साथ 2 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन होगा। तो ये तो हो गए एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल्स और करेंगे इस पे भी। अगर हमें दिया गया हो कि कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल ऑफ आइस के 5 मोल आइस का क्या मालूम कर लो, नंबर आके जो मास इन ग्राम मालूम कर लो 5 मोल। तो हम यहां पर क्या लिखे, गिवन डेटा। तो आइस क्या होती है, असल में आइस मतलब है H2O यानी वाटर। क्या H2O यानी वाटर, ये हमारे साथ क्या है वाटर। आइस वाटर सिंपली वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। तो यहां पर हम गिवन डेटा में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस यहां पर क्या है आइस या H2O इसकी जगह लिख सकते हो या सब्सटेंस भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 5 मोल। अच्छा इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो हो गए, दूसरी चीज मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ आइस चाहिए, तो मोलर मास ऑफ आइस। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मोलर मास का क्या मतलब है कि ये H2O मॉलिक्यूल है ना, ये आइस मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। यानी मोलर मास का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ H2O का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ आइस यानी 1 मोल ऑफ H2O में कितने ग्राम होंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 1 और 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 1 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई 1, तो 1 2 2 प्लस 16 से हमारे साथ यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे साथ यहां पर आ जाएगा 18। और 18 किस, ये मॉलिक्यूलर मास होगा, इसको जब आप लोग ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करोगे यानी 1 मोल ऑफ H2O में कितने ग्राम होंगे, तो 18 ग्राम। तो ये होगा मेरे साथ हो गया मोलर मास। अभी हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट मास इन ग्राम। तो हमने मालूम करना है मास इन ग्राम, ये हमारे साथ अननोन है, रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन के बाद उसी फार्मूले को यहां पर अगर हम पुट कर लें कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई मोलर मास, mm यानी मोलर मास, तो इससे मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस ये फार्मूला है। तो यहां पर अगर आप देख लें मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ यहां पर कितने हैं 5 है और यानी 5 मोल्स है हमारे साथ और मल्टीप्लाई ये हमारे साथ कितने हैं, मोलर मास कितना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास था, तो मोलर मास हमारे साथ यहां पर कितना है 18 ग्राम पर मोल। ये अगर मैं इस तरह लिखूं तो 18 ग्राम पर मोल यानी 1 मोल ऑफ H2O में 18 ग्राम होंगे, ये हो गया मोलर मास। अच्छा ये मोल पर मोल के साथ, ये यहां पर प्लस 1 है, प्लस 1 है और यहां पर माइनस, ये एक दूसरे के साथ खत्म हो गए। अच्छा 5 18 90 आता है, तो यहां पर और ये ग्राम अपनी जगह, तो 90 ग्राम। तो 5 मोल ऑफ आइस में हमारे साथ कितने कितना ग्राम ऑफ आइस होगा, 90 ग्राम ऑफ आइस, 90 ग्राम ऑफ H2O। तो ये हमारे साथ दूसरी एग्जांपल हो गई। तीसरी एग्जांपल इस पे भी करते हैं कि अगर हमें कहा गया हो कि कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ NaCl, ये हमारे सब्सटेंस है, ये फार्मूला यूनिट है, ये अभी हमारे साथ ये एक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर गिवन डेटा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले गिवन डेटा में हमें क्या चीज दिया गया है, हमें दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स इज इक्वल टू 2 मोल यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NaCl है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इज इक्वल टू 2 मोल। अभी हम क्या मालूम करें, मोलर मास, क्या मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का क्या मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaCl कह सकते हो, मोलर मास ऑफ NaCl तो इज इक्वल टू इसी मोलर मास ऑफ NaCl का क्या मतलब कि 1 मोल ऑफ NaCl में हमारे साथ कितने ग्राम होंगे, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास यानी फार्मूला मास क्या है,
तो फॉर्मूला मास इसका है मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास इसका है सोडियम का 23 एटॉमिक नंबर है प्लस क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास, सॉरी सोडियम का 23 एटॉमिक मास है, सोडियम क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐड कर लें तो इससे आ जाएगा 58.5 और इसको ग्राम पर मोल यानी 1 मोल आप NaCl में इतने ग्राम होंगे को एक्सप्रेस कर लो तो हमारे साथ मोलर मास हो गया। मालूम क्या करना है, कैलकुलेट मास इन ग्राम, तो हमने मास इन ग्राम को मालूम करना है। तो अभी सॉल्यूशन, तो मास इन ग्राम हमारे साथ कितना है, मास इन ग्राम हमारे साथ है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ कितने हैं, यहाँ पर 2 मोल्स है और ये हमारे साथ 58.5। अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो तो इससे आता है 117 ग्राम, इसे 117 ग्राम आ जाएगा। तो हमारे साथ 2 मोल्स ऑफ NaCl में कितने ग्राम ऑफ NaCl होगा, 117 ग्राम ऑफ NaCl हमारे साथ 2 मोल्स ऑफ NaCl में होगा।